दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट यानी टॉर्च से आप क्या करते होंगे। दोस्तों आपके दिमाग में एक ही चीज चलता होगा और एक ही चीज सोचते होंगे कि मोबाइल की टॉर्च से तो एक ही काम किया जा सकता है कि जब भी मुझे फोटो लेना होता है तो मोबाइल की फ्लैश लाइट यानी टॉर्च को जला करके मैं फोटो अंधेरे में लेता हूं और इसका यही उपयोग करते होंगे और आप यही सोचते होंगे, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। लेकिन आपका सोचना मेरा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोबाइल की टॉर्च अंदर एक ने पूरी चार ऐसी जादू खुफिया राज छुपा हुआ है जिसे जान करके आप काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा तो आपके फ्रेंड आपसे जलने लगेगा, वो आपसे जरूर पूछेगा कि यार मेरे फोन के अंदर भी तो फ्लैश लाइट है लेकिन ये मुझे नहीं पता, हमारे फोन के अंदर तो है नहीं लेकिन आपके फोन के अंदर ये कैसे है जरा मुझे बता। तो उनके नजर में काफी ज्यादा स्मार्ट तो बन ही सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड की दुनिया में काफी ज्यादा धूम मचा सकते हैं। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं अपने फ्रेंड से पहले मोबाइल की फ्लैश की ये चार ऐसी खुफिया राज के बारे में, तो आज के वीडियो को ना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चल मैं आपको बता देता इस वीडियो के अंदर, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो घटोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन और चल मैं आपको बता देता कि मोबाइल टॉर्च यानी फ्लैश लाइट के अंदर चार ऐसी जादू ट्रिक यानी खुफिया राज कौन सी है। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं ना सबसे पहले, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कम से कम 5000 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो आप लोग उम्मीद करता हूं पूरा कर दीजिएगा। चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब पे, बेल को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखे टॉर्च। जी हां, कमेंट में लिखे टॉर्च। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है टॉर्च। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस टॉर्च ऐप के अंदर ऐसी कौन सी खुफिया राज है और ये खुफिया राज अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद यहां पर देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से यहां पे आपको दिखता होगा, यहां पे सिर्फ टॉर्च को जला सकते हैं। यहां पे मैं टॉर्च जला दिया, बटन को क्लिक करके, यही आप सोचते होंगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको खुफिया राज में आपको बता देता हूं। ये जो देख रहे हो वहां पे टॉर्च लिखा हुआ ना, तो यहां पे मैं होल्ड करता हूं, तो जैसे होल्ड करूंगा ना तो यहां पे मैं देख रहे हैं यहां पे पिन बता रहा है, तो यहां पे मैं पिन डाल देता हूं। तो जैसे मैंने पिन डाला, जैसे पिन डालने के बाद यहां पे देखेंगे कि आपको खुफिया राज यहां पे मैं ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट और ऐप यहां पे सब कुछ यहां पे हाइड कर सकते हैं इस टॉर्च बटन के अंदर। यदि आपका मोबाइल को भी ले लेता है और फोटो वोटो तांग छाक करने की कोशिश करता है, व्हाट्सएप की वीडियो को या व्हाट्सएप की फोटो को कोई भी फ्रेंड आपको देखने की कोशिश करता है, तो इस टॉर्च के अंदर आप छुपा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके फ्रेंड ये टॉर्च एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसे लगेगा कि यार ये टॉर्च एप्लीकेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर खुफिया राज है जिससे कि आप फोटो वीडियो को हाइड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ वीडियो को भी हाइड किया, फोटो को भी हाइड कर किया हूं, यहां पे देख सकते हैं। और ये फोटो जो है ना और ये वीडियो हाइड करेंगे ना तो आपके गैलरी के अंदर शो नहीं होगा। तो ये सिर्फ आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल की ये टॉर्च के अंदर, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। तो जैसे ओपन करने के बाद दोस्तों ये आप टॉर्च तो जला ही सकते हैं लेकिन यहां पर देख रहे टॉर्च लिखा हुआ, तो यहां पर होल्ड करना होगा। जैसे होल्ड करेंगे तो यहां पर अलाउ कर लीजिए, अलाउ करने के बाद सिंपल आपको पिन एक फर्स्ट टाइम डालना होगा। तो चलिए यहां पे पिन में डाल देता हूं और फिर से यहाँ पे रिकॉन्फर्म करना होगा। तो जैसे पिन डालने के बाद यहाँ पे आंसर वगैरह डाल दीजिए ताकि आप पासवर्ड भूल जाए ना, तो ये आंसर से आप खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे फेवरेट नाम डाल देता हूँ, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ पे सेव करना होगा। तो जैसे सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग में तो जाना नहीं अभी, तो यहाँ पे आपको फोटो वीडियो को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइड किया हूँ। और जैसे हाइड करने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा और नया फोल्डर को क्रिएट करना होगा। तो जैसे नया फोल्डर को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फोल्डर पर क्लिक करें, प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर कोई भी फोटो ले लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको कोई भी फोटो यहाँ पर से ले लेता हूँ, चलिए कोई भी फोटो ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। लेने के बाद दोस्तों लॉक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे लॉक पे क्लिक करने के बाद ये फोटो जा करके आपके टॉर्च के अंदर यहाँ पे हाइड हो चुका। उसके साथ ही साथ दोस्तों सेमी प्रोसेस है वीडियो का, यदि आप वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट करें, फोल्डर पे क्लिक करें, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद कोई भी वीडियो लेना चाहते हैं कैमरा वाला तो ये वीडियो ले लीजिए और यहाँ पर लॉक पर क्लिक कर लीजिए, तो ये वीडियो हाइड हो चुका। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं वीडियो मिक्स प्लेयर में जाता हूँ तो यहाँ पर एक सेकंड का वीडियो यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, कैमरा वाला जो है ना दूसरा फोल्डर वो कैमरा वाला फोल्डर आपको नजर नहीं आता होगा एक सेकंड का, क्योंकि ये जो कैमरा वाला वीडियो देखेंगे ना तो यहाँ पे 13 सेकंड का है लेकिन जो मैंने वीडियो हाइड किया हो ना वो आपको यहाँ पे एक सेकंड का वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी हाइड वो जो हाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये वीडियो मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ पे एक सेकंड का वीडियो बस, यहाँ पे और को 30 सेकंड का नहीं है, तो इसका मतलब कि जो भी हाइड करेंगे ना तो आपको गैलरी के अंदर शो नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।